हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा, तो आज से मैं लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। और जो अपना पहला टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग POC भी कहते हैं। तो देखिए, अब हम करने वाले क्या है, हम लोग POC की पूरी एक सीरीज रन करेंगे, जिसमें हम लोग सारे टेस्ट जो POC में है उनको डिस्कस करेंगे। फिर वो टेस्ट चाहे JEE का सिलेबस हो, नीट का सिलेबस हो, एडवांस का सिलेबस हो, एम्स का सिलेबस हो, यानी कोई भी एग्जामिनेशन का सिलेबस क्यों ना हो, हम लोग स्पेशली सारे टेस्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। और हमारा मेन फोकस मेंस, एडवांस और एम्स पे रहेगा, और साथ में नीट पे भी रहेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले देखिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज आपको दो टेस्ट ट्यूब दिए हुए, एक में अल्कोहल है और एक में फिनॉल है, लेकिन आपको पता नहीं किस में अल्कोहल है किस में फिनॉल है। आपको बताना है किस में अल्कोहल है किस में फिनॉल है। तो वह बताने के लिए जो आप टेस्ट परफॉर्म करोगे लेबोरेटरी में, वो आता है अंडर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या सिंपल सी बात है, आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें अल्कोहल है कि नहीं। तो उसमें अल्कोहल है कि नहीं, ये बताने के लिए आप जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या सिंपल सी बात है, आपको एक कंपाउंड दिया गया है और आपको बताना है वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं, यानी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, आपको बताना है। इट्स वेरी सिंपल। अब फिर से करोगे, कोई एक टेस्ट करोगे बताने के लिए, और वो किसमें आता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वो टेस्ट होते हैं टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स, यानी फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने का हम लोग टेस्ट करते हैं। यानी हमको बताना है कि भैया हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्शियरी अमीन है। तो उसको बताने के लिए जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो POC के अंडर आता है। तो पहला टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है टू डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल ग्रुप्स। यानी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है, आपको बताना है कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। उसके लिए जो आप टेस्ट परफॉर्म करोगे वो भी POC में आता है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल ग्रुप्स। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू आइडेंटिफाई types of elements in given organic compound। यानी आपको एक organic compound दिया है और हमको बताना है उसमें कार्बन है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं, नाइट्रोजन है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, सल्फर है कि नहीं, फॉस्फोरस है कि नहीं। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से एलिमेंट से बना हुआ है वो हमको बताना है। तो हम लोग इसके लिए भी क्या करते हैं, POC। देखिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली लैब बेस्ड केमिस्ट्री होती है। इसमें हम लोग पहली बात फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, दूसरा हम लोग अगर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट करते हैं, और तीसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना है वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इनको सीखेंगे। अभी समझिए, हम लोग अगर चैप्टर वाइज जाएंगे तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में जो भी POC से रिलेटेड होगा वो सीखेंगे, फिर कल हैलोअल्केन्स, हैलोरिंग्स, परसों अल्कोहल, फिनॉल, इथर, देन अपना एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, देन बायोमोलिक्यूल्स, एंड हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं POC इन हाइड्रोकार्बन। तो पहले अपना जो होता है अल्केन, तो गाइस आपको एक टेस्ट ट्यूब दी है और बताना है वो कंपाउंड अल्केन है कि नहीं। तो उसके लिए आप कौन से टेस्ट परफॉर्म करोगे, तो टेस्ट ट्यूब है, मैंने मान लिया सपोज उसमें अल्केन है, तो उसकी रिएक्शन मैं करा सकता हूं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से, या उसकी रिएक्शन मैं करा सकता हूं कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से, या सिंपल सी बात है KMnO4 से, या K2Cr2O7 से, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से, या डिबल एच से डाइसोमेटल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसकी भी रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, या PCC से, या PDC से। इट्स वेरी सिंपल। अगर दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मल कंडीशन में बेस से या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, आपका PCC हो गया, PDC हो गया, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, या आपके रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, डीबल एच से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो अल्केन हो सकता है।
यानी वो अल्केन है हम लोग बोल सकते हैं, या वो पैराफिन है, मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव कंपाउंड है कि नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है। सिंपल है, तो दिया गया कंपाउंड अल्केन है कि नहीं ये कैसे जानेंगे? उसकी रिएक्शन किसी भी एक कंपाउंड से कराओ या इन सब से करवा के देख लो, अगर वो रिएक्ट करता नहीं है तो पक्का वो कौन होगा? पैराफिन होगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा, यानी कौन होगा? अल्केन। तो ये हो गई पहले पीओसी की टेस्ट जो अल्केन में यूज की जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टेस्ट की ओर मूव करते हैं। सो गाइस, अभी हमने अल्केन्स की पीओसी देखी, अब अल्कीन्स एंड अल्काइन्स की पीओसी देखते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे अल्कीन हो गया या अल्काइन हो गया, इनमें एक चीज कॉमन है, बोथ आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना? तो पहले जो पीओसी के टेस्ट है, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और जो पहले टेस्ट है वो है बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट, ठीक है ना? ये टेस्ट क्या होती है? सिंपल है, आपने अल्कीन ले लिया या आप अल्काइन भी ले सकते हो, अल्कीन या अल्काइन ले सकते हो, इसकी रिएक्शन आपने करानी है KMnO4 इन बेसिक मीडियम अंडर कोल्ड कंडीशंस। तो आपका बेयर्स रिएजेंट क्या है? आपका बेयर्स रिएजेंट क्या है? कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट आपका बेयर्स रिएजेंट है। और इसका जो कलर होता है ना गाइस, वो होता है पर्पल पिंक कलर होता है, पर्पल पिंक कलर होता है गाइस, पर्पल पिंक जो भी है, लेकिन पर्पल पिंक कलर होता है। तो आपने अल्कीन या अल्काइन लिया, उसकी रिएक्शन आपने बेयर्स रिएजेंट से करवाई, और बाद में आपने क्या देखा कि ना, जो आपका टेस्ट होने के बाद जो कंपाउंड बनाना वो कलरलेस है, वह कौन है? कलरलेस है। अगर ऐसा हो गया तो समझ जाना कि दिया गया कंपाउंड अल्कीन या अल्काइन हो सकता है या उसमें अनसैचुरेशन है। अगर ऐसा हो गया तो टेस्ट क्या है? सिंपल है, हमने अल्कीन लिया या अल्काइन लिया, उसमें हमने पर्पल पिंक कलर का KMnO4 इन बेसिक मीडियम जो कि ठंडा है उसको डाला और उसका कलर डिसअपीयर हो गया एंड फाइनली वो कलरलेस हो गया। अगर ऐसा हो गया तो पक्का हम लोग बोल सकते हैं वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, मींस दैट मे बी अल्कीन या दैट मे बी अल्काइन, बट ये कंफर्म नहीं बता सकते वो अल्कीन है अल्काइन है, इतना बोल सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड है, यानी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे की मैं केमिस्ट्री बताता हूं, याद रखना मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, बट जितना आपको जरूरी है उतना बता दूंगा फॉर जेईई मेंस नीट एडवांस और एम्स। देखिए होता क्या है, सपोज आपने अल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो KMnO4 इन बेसिक मीडियम और कंडीशंस यहां पे कोल्ड कंडीशंस, ठीक है ना? ये वाटर मतलब जिसमें आपका बेस डिसॉल्व है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके बनाया तो अल्कलाइन KMnO4 हो गया ना, तो सिंपल है। तो यहां पे क्या होता है गाइस, ये ऐसा बन जाता है CH3CHOH CH2OH, यानी गाइस यहां पे आपका बन गया विसिनल डायोल, और यहां पे गाइस आपका होता है सिन हाइड्रोक्सीलेशन। क्या बनता है? सिन हाइड्रोक्सीलेशन, यानी जब भी आप बेयर स्टेज करोगे आपका क्या होगा? सिन हाइड्रोक्सीलेशन, यानी जो आने वाले दो OH ग्रुप है सेम साइड से लगेंगे। इसका और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा जैसे आपका साइक्लो अल्कीन है, इसमें आपने लगाया बेयर्स रिएजेंट दैट इज KMnO4 इन बेसिक मीडियम, कंडीशंस होगी कोल्ड। सिंपल देखिए होगा क्या, इट्स वेरी सिंपल गाइस, ऐसा होगा और दोनों OH सेम साइड से लग जाएंगे, गॉट इट? तो यहां पे क्या होता है? सिन हाइड्रोक्सीलेशन। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, इट्स वेरी सिंपल, एक ट्रिक है। आपने बोला सेम आपने बोला सेम तो समझ जाना हो जाएगा मिजो कंपाउंड, सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मिजो। और अगर ऐसा है सेम अपोजिट तो वहां पे हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। तो मैं समझाता हूं होता क्या, देखो सिंपल है, अगर आपने अल्कीन लिया है सिस, अल्कीन आपका सिस है और आप कर रहे हो सिन एडिशन,
6 एडिशन ही होगा, तो अल्टीमेटली जो कंपाउंड बनेगा फाइनली दैट विल बी मीसो, सेम सेम सिस अल्किन पे सिस एडिशन, मतलब सिन एडिशन सेम साइड पे, तो मीसो। अगर आपने लिया अल्किन ट्रांस और उस पे आप कर रहे हो सिन एडिशन, तो देखो ये ट्रांस है और ये सिस एडिशन है ना, सिन मतलब सेम साइड पे, तो यहां पे जो बनेगा दैट विल बी योर रेसेमिक मिक्सचर। उल्टा भी कर सकते हैं आप, सिंपल है। अगर आपने सिस अल्किन लिया और यहां पे आप कर रहे हो एंटी एडिशन, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या बनेगा गाइस, रेसेमिक मिक्सचर, क्योंकि अपोजिट हो गए ना। और अगर आपने ट्रांस अल्किन लिया और यहां पे आप कर रहे हो एंटी एडिशन, तो सेम सेम हो गया ना, यहां पे क्या बनेगा मीसो कंपाउंड। तो बहुत सिंपल है, बस यहां पे याद रखिए सेम सेम मीसो, सेम सेम मीसो, सेम सेम मीसो, सेम अपोजिट रेसेमिक मिक्सचर, सिंपल है ना। यानी यहां पे अगर मैंने मेरा अल्किन सिस लिया, जैसे ये CH3H सिस लिया, मैंने इसमें लगाया मेरा बेयर्स रीएजेंट दैट इज KMn4 इन अल्कलाइन मीडियम कोल्ड कंडीशन, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, आपके दोनों OH सेम साइड से लगे, मैं इमेजिन कर रहा हूं दोनों OH इस साइड से आ रहे हैं, ऐसे इस साइड से, तो दोनों OH, ये OH और ये OH, जब ऐसे अप्रोच करोगे करेंगे तो ये CH3 ऐसे और ऐसे हो जाएगा, तो होगा क्या, इट्स वेरी सिंपल, ये CH3 ऊपर जाएगा ना ऐसा, ये CH3 हो जाएगा इस, ये H नीचे सरक जाएगा और यहाँ पे OH सरक जाएगा, सेम ये CH3 नीचे सरक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे H लग जाएगा, देखो OH, देखो यहाँ पे दो काइरल सेंटर्स हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टीमेटली कंपाउंड क्या हो गया, मीसो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। हम लोग ट्रांस अल्किन के एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब तक आप इसका इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। अगर आप ट्रांस अल्किन लेते जैसे CH3C डबल बॉन्ड C CH3H और H, इसमें आप लगा देंगे बेयर्स एजेंट H2 KMnO4 इन बेसिक मीडियम और कंडीशंस होगी आपकी कोल्ड, ठीक है ना। तो होगा क्या, सिंपल है, देखिए सेम है अपना OH, सपोज इस साइड से आ रहा है इस साइड से, तो क्या बनेगा देखिए, ये H ऊपर सरक जाएगा, ये CH3 नीचे, फिर से ऐसे सरकेगा, तो ये CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे OH, OH, ठीक है गाइस। पार्टी में देखिए यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव, तो ऐसा इसका रेसेमिक मिक्सचर भी बनेगा। अब देखिए इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, अब ध्यान से देखिए आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिए ऐसे कॉन्फिगरेशन देखिए ऐसा होता है, 1 इसकी प्रायोरिटी नीचे वाली की, 2 इसकी प्रायोरिटी, 3 1 2 3 हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो जो दिख रहा है वही रहेगा R, क्योंकि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अबो या बिलो रहा, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है या नीचे है तो कॉन्फिगरेशन वही होता है जो आपको फीचर में दिखता है, लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट या राइट को है तो जो कॉन्फिगरेशन दिखता है उसका उल्टा हो जाता है, एंड अगर आपको दिखा R तो हो जाएगा S। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसा ये CH3 है, नीचे का तो मैं यही रख ऐसे रख रहा हूं, और मैंने आपको सिखाया था, आप देख सकते हो केमा का जियो से सर्च कर सकते हो, अगर हम लोग दो चेंजेस करते हैं तो कॉन्फिगरेशन रिटर्न रहता है। तो फिर देखो मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं ना ये OH इधर लेके आ रहा हूँ, OH और ये CH3, ये मेरा पहला चेंज है, राइट। और दूसरा चेंज मैं ऐसे करता हूँ, ये CH3 इधर लेके जा रहा हूँ और H, देखिए मैंने दो चेंज किए, अब चेक करना है कॉन्फिगरेशन रिटर्न है कि नहीं, सिंपल देखिए ना, 1 इसकी प्रायोरिटी 2 और यहाँ पे 3, 1 2 3 हम लोग जरा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस लेफ्ट या राइट पे, तो जो दिखता है उसको उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R, देखो कॉन्फिगरेशन रिटर्न रहेगा ना। तो बुक्स में ऐसे दिखाते हैं, लेकिन आपको सिन एडिशन वाली फीलिंग नहीं आती है ना, इसलिए मैंने पहले ऐसा बना लिया, इसमें आपको सिन एडिशन की फीलिंग है, बाद में ऐसे बनाकर दिखा दिया। और इसका देखिए ना, इसका एनहांसिंग भी बनेगा, एंड सिंपल क्या करना है, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है ऐसा, ऐसा देखिए यहाँ पे ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो देखो इसका मिरर इमेज बन गया, तो सिंपल है। अगर आपने ट्रांस अल्किन लिया उसमें आप बेयर्स रिएजेंट डालते हो तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे, POC, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी आपका अल्किन है अगर उसमें आपने बेयर्स रिएजेंट डाला, जो पर्पल पिंक कलर होता है उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। सेम अल्काइन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, तो अल्काइन की केमिस्ट्री बताओ, तो देखिए अल्काइन की केमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है अभी अल्काइन की केमिस्ट्री देखते हैं। सिंपल है, क्या किया आपने, अल्काइन लिया सब बोला सब CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री, इसमें अपने बेयर एजेंट लगाया एच टू ओ, के एम एन फोर इन बेसिक मीडियम, और कंडीशन होगी आपकी कोल्ड. तो यहां पे क्या होगा, सेम सी नाइट्रोक्सिलेशन ऐसा सी एस थ्री सी, मैंने यहां पे ओ एच लगा दिया डबल बॉन्ड सी, यहां पे ओ एच सी एस थ्री. लेकिन याद रखना यहां पे अभी भी डबल बॉन्ड है और ये रिएजेंट हमने थोड़ा ही एक इक्विवेलेंट डाला है, हमने बहुत सारा डाला है, तो आगे फिर से सी नाइट्रोक्सिलेशन होगा. सेम आपका यहाँ पे बेयर रिएजेंट आएगा, सेम सी नाइट्रोक्सिलेशन होगा सी एस थ्री सी, यहाँ पे ओ एच, फिर से यहाँ पे ओ एच हो जाएगा सी, यहाँ पे ओ एच, फिर से यहाँ पे ओ एच हो जाएगा और ये आपका सी एस थ्री. और आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन पे दो ओ एच अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऐसा आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका बन जाएगा डाइकेटोल सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, राइट. एंड आपका डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन गया. और याद रखना इन दोनों में रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन, इसलिए ना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो ये बाद में ऐसा हो जाएगा, बनते वक्त ये ऐसा बनेगा ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री. व्हाट इट गाइस, एंड सिंपल समझिए, आप कोई भी एक अल्काइन लीजिए, कोई भी एक अल्काइन, सपोज मैं अल्काइन लेता हूँ ऐसा, और इसमें आपने बताना बेयर्स रिएजेंट, मैं फिर से लिख रहा हूँ बेयर्स रिएजेंट जो है, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड ओ, ये भी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे रहेगा एच, क्योंकि देखिए यहाँ पे एच है ना, ये एच, समझ में आ रहा है, ऐसा हो जाएगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका पहला सी हाइड्रोक्सिलेशन दो बार होगा और बाद में एच टू एलिमेंट होकर आपका डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा. अब एक बात समझना, जब भी आप बेयर रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो ये जो अल्डिहाइड पार्ट वाला पार्ट है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नहीं, नहीं तो आप ऐसे बना लेते हो ऐसे डबल बॉन्ड ओ और एच, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है ना. क्यों, ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन इतना समझना है कि जब भी आप बेयर एजेंट डालोगे अल्काइन में तो आपका डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और आप अल्किल में डालोगे तो आपका क्या होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, राइट. तो ये हो गया बेयर टेस्ट. अभी नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं. तो अभी हमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन दैट इज बेयर टेस्ट देखा, दैट इज फॉर अल्किन या अल्काइन. नेक्स्ट हम लोग सीख रहे सेम, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ही, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, सैचुरेशन ने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं बताने के लिए. और यहां पे हम लोग सीखेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट. थोड़ा फास्ट लग रहा होगा आपको, तो आप यूट्यूब में स्पीड कम करके भी देख सकते हो. तो होगा क्या, यहां पे सिंपल है, आपने अल्कीन लिया सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसमें आपने डाला ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर. याद रखना सिंपल गाइस, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो सी एस थ्री सी एच, यहाँ पे लग जाएगा आपका एक बी आर, जिसमें भी सी एच टू और यहाँ पे लग जाएगा बी आर. पहली बात यहाँ पे बैठा हुआ दिमाग में, यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है. और दूसरी बात देखिए, ये जो ब्रोमीन वाटर है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है ना. और जब वो रिएक्ट करता है आपका अल्किन से या किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एडिशन करने का, किसी मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से एडिशन करने के बाद गाइस वो हो जाता है कलरलेस, कलरलेस. यानी सिंपल है, आपने अल्किन लिया उसमें रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर डाला और बाद में वो कलरलेस हो गया, समझ जाना वो क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन एग्जैक्टली डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है ना. और वही सेम सीन फॉलो होगा, सेम सेम मीजो सेम अपोजिट रेसिमिक मिक्सचर. से मैं अल्काइन का बता देता हूँ, अगर आपके पास अल्काइन है ऐसा सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है ना, इसमें आपने डाला ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सी एस थ्री सी, यहाँ पे लग जाएगा बी आर सी बी आर बी आर बी आर और यहाँ पे हो जाएगा आपका एच, है ना. यहाँ पे एक बार एडिशन हुआ था, मतलब दो ब्रोमीन लगे थे, यहाँ पे चार लगेंगे, लेकिन सेम होगा यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन विल गेट डिसअपीयर, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट विच इज यूज फॉर चेक अनसैचुरेशन इन गिवन इन अ गिवन कंपाउंड. ओके, तो हो गया आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट. तीसरा है, तो गाइस हमने पीओसी को स्टार्ट किया था, पीओसी में पहले हमने अल्केन्स की पीओसी सीख ली, अल्कीन्स में टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन सीख लिया, अभी सीख रहे हैं लोकेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड.
लोकेशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यानी आपको दिया गया कंपाउंड अल्किन है उसमें एक्जैक्टली डबल बॉन्ड कहाँ पे लोकेटेड है आप बता सकते हो, दिया गया कंपाउंड अल्काइन एक्जैक्टली ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे लोकेटेड है आप बता सकते हो। और यहाँ पे हम लोग करते हैं ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ठीक है ना। तो होता क्या है, आपने सपोज एक अल्किन ले लिया CH3CH, मैं इसको ऐसे लिखूंगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, ये C, यहाँ पे H लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H ठीक है ना। अब ओजोनोलिसिस दो प्रकार की होती है आपको पता होना चाहिए, एक रिडक्टिव एक ऑक्सीडेटिव। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मैं कर रहा हूँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो हमको होता क्या है, पहले स्टेप में हम लोग लगाते हैं ओजोन, दूसरे स्टेप में हम लोग लगाते हैं जिंक इन H2O, यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन बी, या आप यूज कर सकते हो डाइमिथाइल सल्फाइड जो ऐसे दिखता है CH3 S S CH3, डाइमिथाइल सल्फाइड भी आप यूज कर सकते हो। तो होता क्या है, सिंपल है, देखिए यहाँ से बॉन्ड क्लियर होता है, सबको ओजोनोलिसिस आनी चाहिए अभी तक, तो सी एच ये रहेगा डबल बॉन्ड ओ सेम यहाँ पे सी एच एच और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ। याद रखिए ओजोन के दो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए, एक ऑक्सीजन बाकी है ना वो जिंक के साथ जा सकता है, तो बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड, या वो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है ना, ऐसे आपका बनेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड जो ऐसे दिखता है पी डबल बॉन्ड ओ पी एच पी एच एच इट, या वो डायमिथाइल सल्फाइड के साथ भी जा सकता है और आपको बनेगा डायमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड ठीक है ना। यानी ये जो रिएजेंट्स ये जरूरी है, नहीं तो आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा। तो सिंपल है, आपने अल्किन ले लिया उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, दो कार्बोनिल कंपाउंड्स बने, तो एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे था। तो सिंपल उल्टा करेंगे, मैं आपको बताना है कहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो ये ओ ए ओ हटा दो और दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आप बता सकते हैं डबल बॉन्ड कहाँ पे था। देखो फिर से बता रहा हूँ, सपोज ऐसा अल्किन है आपके पास, ये आपके पास अल्किन है, इसमें आपने किया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, देखो ऐसा बनेगा ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर रहेगा आपका एच, पता होना चाहिए यहाँ पे एच होता है ना, और देखो यहाँ पे यहाँ से टूटा ना, देखो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ये डबल एच दिख रहा है। तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली कौन सा अल्किन था, तो क्या कीजिए इन दोनों को सामने लाइए, ऐसे सामने लेके आएंगे ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। तो अल्किन में डबल बॉन्ड कहाँ पे था वो हम लोग ओजोनोलिसिस की मदद से बता सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ओजोनोलिसिस अच्छे तरीके से ठीक है ना। मैं आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी बता देता हूँ, देखिए गाइस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, आप वही करते हो बस यहाँ पे ना, पहले स्टेप में ओजोन डालते हो और दूसरे स्टेप में आप केवल वाटर डालते हो, मतलब वो रिएजेंट्स नहीं डालते जो हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यूज किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल देखिए CH3C डबल बॉन्ड ओ एच, मैं रिडक्टिव की प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ध्यान से देखना HC डबल बॉन्ड ओ एच। लेकिन गाइस जब भी आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो वहाँ पे अल्डिहाइड बन ही नहीं सकता क्योंकि एक ऑक्सीजन बच जाता है तो फर्दर इसको ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो एच है ना सी डबल बॉन्ड ओ एच लगे रह ही नहीं सकते, तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ओ एच लग जाएगा और गाइस यहाँ पे भी ओ एच लग जाएगा और ये कार्बोनिक एसिड है राइट, ये कार्बोनिक एसिड है और जो अनस्टेबल है वो टूट जाता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में टूट जाता है। देखो ना यहाँ से आपका CO2 निकल गया और OH और H क्या बन गया वाटर, बात समझ में आ रही। तो अल्टीमेटली ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और देखिए जब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा तो समझ जाना आपका टर्मिनल अल्किन था, टर्मिनल अल्किन मतलब मालूम है ना, यानी आपका अल्किन या डबल बॉन्ड है ना लास्ट में प्रेजेंट होगा, तो कौन सा आपका टर्मिनल अल्किन, अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो और अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है तो समझ जाना कौन सा अल्किन था, टर्मिनल अल्किन था ठीक है। अभी हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं अल्काइंस का, देखिए फिर अल्काइंस का ओजोनोलिसिस कैसा होता है, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे ले रहा हूँ सी एस थ्री राइट गाइस। अब क्या करोगे, पहले रिडक्टिव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा ओजोन, सेकंड स्टेप में इट कैन यू बी जिंक इन एच टू, या इट कैन बी ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, इट कैन बी डाइमिथाइल सल्फाइड ओके। मैकेनिज्म अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए केमाकाश अल्किन्स आपको मिल जाएगा। देखो तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा
CH3C, ये रहेगा C, ये CH3, और गाइस देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, और यहाँ पे डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। बस यहाँ पे उल्टा करना है, स्टेरिलिपेशन के कारण ये ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड देखो ऐसा बन गया। तो अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे था ये बताना सिंपल है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपका दो, और यहाँ पे दो बॉन्ड लगा दो, समझ में आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनिस करूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे एच, और हमने ऐसे डाला इसमें पहले स्टेप में ओजोन और दूसरे स्टेप में मैं डाला वाटर, देखो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल ऐसा बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो, देखो यहाँ से बॉन्ड पूरी तरह टूट जाता है, तो ये हो जाएगा ओ एच सेम, ये दिखाएं तुमको एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉर्म HOC double bond O OH, that is carbonic acid H2CO3 which will decompose to form CO2 and H2O। बात समझ में आ रही है? और ये decompose क्यों होता है? क्योंकि ये entropy driven reaction है, जहाँ पे भी गैस निकलने की पॉसिबिलिटी होती है वो रिएक्शन जल्दी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन देखिए हमने लिया था अल्काइन और बाद में देखिए आपका एसिड बन गया, यानी आपका जो मीडियम है वो एसिडिक हो जा रहा है, यानी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे, तो ये भी एक टेस्ट हो सकती है टू डिटेक्ट whether the given compound is alkyne or not। simple है, आप alkyne लीजिए, उसका oxidative ozonosis कीजिए और देखिए आपका पहला जो medium neutral था बाद में acidic हो गया है, समझ में आ रहा है। तो वो बताएगा कि दिया गया compound कौन था, तो कौन था आपका alkyne था। यानी कैसे करोगे, alkyne लोगे, उसका oxidative ozonosis करोगे और उसके बाद उसमें ना blue litmus dip करके देखोगे तो red convert red color का हो जाएगा, तो ultimately आप बता सकते हो वो compound कौन था, alkyne था। आपने पहला अल्काइन लिया उसमें ब्लू लिटमस डिप किया, कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन बाद में ऑक्सीडेटिव ओजोनिस के बाद आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, तो समझ जाना कौन था आपका, अल्काइन था, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और देखो यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड H2 निकला ना, एंड आपको वी गेट अ ब्रिस्क इफर्वेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी से बबल्स निकलते CO2 इवॉल्व हो रहे उसके, तो आप समझ जाएंगे कौन सा अल्काइन था आपका, टर्मिनल अल्काइन था। कौन सा अल्काइन था बोलो आपका, टर्मिनल अल्काइन। ये हो गया लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सो हाइड्रोकार्बन्स या अल्कीन्स अल्काइन्स में अपने पीओसी का आगे का टेस्ट है, दैट इज टू चेक टर्मिनल अल्कीन्स और अल्काइन्स। सिंपल है, आपको एक टर्म एक अल्किन दिया गया, आपको पता अल्किन है, बस आपको बताना है वो अल्किन टर्मिनल है या नहीं, या आपको दिया गया अल्काइन आपको पता है अल्काइन है, आपको बताना है वो अल्काइन टर्मिनल है या नहीं, तो आप कौन से टेस्ट कर सकते हो। सिंपल है, पहले मैं अल्किन लेता हूँ ऐसा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 राइट, तो टर्मिनल है कि नहीं ये बताने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है इसका मैं करूँगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस, ओजोन और यहाँ पे लगा दूंगा वाटर, तो आपको मालूम है यहाँ पे होगा क्या। सिंपल ऐसे बॉन्ड टूटेंगे CH3C double bond O OH, ठीक है ना। देखो ये हाइड्रेट बनेगा बाद आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये देखो ऐसे बन जाएगा HC double bond OH, पहले एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड, देन ऑक्सीडाइज होगा फर्दर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड जो डी टूट जाएगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, समझ में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बबल्स आपको दिखते समझ जाना कौन सा अल्किन था, टर्मिनल अल्किन था, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H, आपने क्या लिया है, टर्मिनल अल्काइन लिया है, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर से ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस करेंगे O3 इन H2, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, आप क्या करोगे ये ऐसा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH सेम बनेगा, और यहाँ पे देखो ऐसा ही होगा, सेम सीन होगी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो आप पक्का बता सकते हो कि वहां पे कौन था आपका, टर्मिनल अल्काइन था, ठीक है ना। टर्मिनल अल्काइन मतलब आपका डबल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड है, टर्मिनल अल्किन मतलब आपका डबल बॉन्ड एट द एंड है, समझ में आ रहा है। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो आप बता सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड टर्मिनल अल्किन या अल्काइन था। दूसरी बात और एक हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो सेम KMnO4 से, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और कंडीशंस होगी और सेम KMnO4 इन एसिडिक मीडियम और कंडीशंस होगी हॉट, सेम रिएक्शन होगी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, आप बता सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड टर्मिनल अल्किन है अल्काइन है। बात समझ।
तो गाइस अभी हमने सीखा कि हम कैसे बता सकते हैं दिया गया कंपाउंड टर्मिनल अल्किन है या अल्काइन है। अभी देखते हैं हाउ टू चेक कि दिया गया कंपाउंड टर्मिनल अल्काइन ही है। हमको सीखना है हाउ टू चेक दिया गया कंपाउंड टर्मिनल अल्काइन ही है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको पता होना, सिंपल सी बात है, आप लोग एक एग्जांपल CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड H। और आपको पता होना चाहिए ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल कोई भी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया या एल्यूमिनियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, कोई भी एक एक्टिव मेटल डालिए तो अल्टीमेटली रिएक्शन होगी जैसे CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लग जाएगा आपका Na, ये माइनस और प्लस, ऐसी रिएक्शन होगी और अल्टीमेटली आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और उसके आगे आपने माचिस की तीली लगा दी तो आपको पॉपिंग साउंड आएगा, तो समझ जाना आपका कौन सा था, टर्मिनल अल्काइन था। सेम आप ऐसे भी कर सकते हो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम से कर रहा हूं तो सिंपल ऐसा बन जाएगा Na ये प्लस ये माइनस ट्रिपल बॉन्ड सी ये माइनस और ये Na प्लस, है ना, डाइसोडियम एसिटिलाइड, डाइसोडियम एसिटिलाइड। यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा तब बता सकते दिया गया कंपाउंड टर्मिनल अल्काइन था, है ना, सिंपल है। आपका अल्काइन लीजिए उसकी रिएक्शन किसी भी एक एक्टिव मेटल से करिए, अगर आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है तब बताएंगे वो कंपाउंड कौन था, टर्मिनल अल्काइन था। या दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन टेक टर्मिनल अल्काइन CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और इसकी रिएक्शन आप कराते हो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से CuCl2 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप रिएक्शन करा रहे हो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से, याद रखना अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल अमोनिकल, देखो यहां पे कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है इसलिए इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्यूप्रस क्लोराइड। अगर आपका अल्काइन टर्मिनल है तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट होगा और आपको ऐसा बनेगा, देखो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ना तो ये माइनस और ये कॉपर आ गया यहाँ पे ये प्लस, देखो साथ में अमोनिया गैस इवॉल्व होगा और आपका वाटर भी बनेगा, क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इसका जो PPT बनता है कॉपर अल्काइनाइड का, कॉपर अल्काइनाइड का अमोनिया गैस रिलीज होगा और साथ में आपका वाटर भी बनेगा। और गाइस यहाँ पे जो कंपाउंड बना है इसका होता है रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट। तो सिंपल है, अगर आपका टर्मिनल अल्काइन है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसकी रिएक्शन अगर मैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से करूं तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर रेड होता है या रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हम बोल सकते हैं वो कंपाउंड कौन था, टर्मिनल अल्काइन था। अब सिंपल है, आप दिया गया अल्काइन टर्मिनल है कि नहीं ये बता सकते हैं, इसकी रिएक्शन आप कर सकते हैं टोलन्स रिएजेंट से। आपने यहाँ पे ले लिया दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपने लिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल वही रिएक्शन होगी CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे देखो Ag आ जाएगा, ये माइनस और Ag प्लस, समझ में आ रहा है। और इसको जो PPT होता है वो व्हाइट PPT होता है। तो सिंपल है, आपने टर्मिनल अल्काइन लिया उसकी रिएक्शन अपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराई और आपका व्हाइट पीपीटी बनना, तो समझ जाना वो अल्काइन कौन सा था, टर्मिनल अल्काइन था, बात समझ में आ रही है। और ये जो रिएजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं टोलन्स रिएजेंट, टोलन्स रिएजेंट, ठीक है ना। अब देखो इसको दर्शाने के कई तरीके, जैसे इसको कभी कभार ऐसे दिखाते हैं Ag NH3 ट्वाइस प्लस और NO3 माइनस, देखो यहाँ पे ये भी कौन हो गया आपका, टोलन्स रिएजेंट हो गया। कभी कभार इसको सिर्फ ऐसे लिखते हैं Ag प्लस इन बेसिक मीडियम और यहाँ पे लिखा होता है Ag प्लस विथ NH4OH, Ag प्लस विथ NH4OH, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, टोलन्स रिएजेंट की, यानी सिंपल देखें यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, तो ऐसा लिखा हो और आपका वाइट PPT बन गया तो समझ जाना ये कौन था, बोला आपका टर्मिनल अल्काइन था। तो ये हो गया अपना, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स खत्म।
तो अब तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के पीओसी में क्या क्या सीखा आपके सामने रखते हैं। अगर हमने अल्केन ले लिया और उनकी रिएक्शन नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स या नॉर्मल रिएजेंट्स के साथ की अंडर नॉर्मल कंडीशंस तो रिएक्शन नहीं होगी, तो समझ जाना वो अल्केन है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यानी दिया गया कंपाउंड अल्कीन है या अल्काइन है, उसके लिए करने के लिए आपकी पहली बेयर टेस्ट है जिसमें एक MnO4 का पर्पल पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, या आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट है जिसमें ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। दूसरी बात है आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बेयर टेस्ट में अगर अल्कीन है तो सीन हाइड्रोक्सीलेशन होता है और आपका अल्काइन है तो आपका डाइकार्बोनेट कंपाउंड बनता है, ठीक है आपको। दूसरी बात अगर आपका टर्मिनल अल्कीन या अल्काइन है उसकी अगर हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया तो अल्टीमेटली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिब्रेट होगा, तो समझ जाना कि वो टर्मिनल आपका अल्कीन या अल्काइन हो सकता है। याद रखना अगर एक मोल ऑफ CO2 लिब्रेट होता है दैट कैन बी दिस काइंड ऑफ अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका दो मोल ऑफ CO2 लिब्रेट होता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, दो मोल ऑफ CO2 लिब्रेट होता है तो अल्टीमेटली समझ जाना दैट कैन बी योर इथीन या दैट कैन बी योर इथाइन आल्सो। देखिए अगर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH, यानी दोनों कंपाउंड आपका पहले फॉर्मल्डिहाइड देन आपका फॉर्मिक एसिड देन आपका कार्बोनिक एसिड और फिर CO2 निकल जाएगा। एक मोल निकल रहा है तो आपका टर्मिनल अल्कीन या अल्काइन हो सकता है, अगर दो मोल निकल रहा है दैट कैन बी इथीन या दैट कैन बी एसिटाइलीन, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे सेम यहीं पे भी कर सकते हैं अल्कीन अल्काइन लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिब्रेट हुआ जब हम लोग KMnO4 इन हॉट कंडीशन लगाते हैं समझ जाना दैट कैन बी टर्मिनल अल्कीन या अल्काइन। सेम सीन है अगर एक मोल निकला तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये आपका अल्कीन या आपका अल्काइन हो सकता है, ऐसे अल्काइन हो सकता है। लेकिन दो निकले तो दैट विल बी पक्का इथीन या इथाइन, लेकिन कौन एग्जैक्टली बता नहीं सकते। तीसरा है अगर आपका टर्मिनल अल्काइन है उसमें आपने क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो आपका रिएक्शन होती है रेड पीपीडी बनता है, तो समझ जाना दैट इज टर्मिनल अल्काइन। या आपने टोलस रिएजेंट डाला उसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं तो समझ जाना, और वहां पे अगर व्हाइट पीपीडी बन गया तो समझ जाना आपका टर्मिनल अल्काइन है एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तीसरी बात है अगर आपने टर्मिनल अल्काइन लिया और उसकी रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल से करते हो तो हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होता है जो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है, अगर आपने मैचस्टिक वहां पे पकड़ ली टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने तो समझ जाना वो भी टर्मिनल अल्काइन है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन्स की POC खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स की POC। थैंक यू।